लद्दाख एक्सप्रेस चैनल अहदगामा रसूस बेगम मोहम्मद मूसा दरिंग लद्दाख रामा रियल एरियाज काउंसिल कारगिल गोबा सीसी फिरोज खान लखना इलेक्ट्रिक बस ये गुजुक सोसन कारगिल मिंगना इलेक्ट्रिक बस इशबियों सेना एंता दरे दिखा थों मस्जिद इलेक्ट्रिक बस छना एंतर तासो मिंग नजर ना दी टू स्पीकर एम पी लद्दाख यहाँ देना नसोखला अजीत कुमार साहू कमिश्नर सेक्रेटरी एंता बा सिंह अतस एंता लुकिंग पुगा चौकशी दुख दोस्तान एंता दिखल ताजत बा सिंह अतस लुकिंग स्पेरताना गतो इलेक्ट्रिक कार अति कारगिल ललिफ सिनंग लेगी मन अर्गेलिक थोमा शेंदो उस्ताद साहब दिया सीट कैपेसिटी चाम सलूश है जिन्हें एसी वैसी स्कूल चमाओ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सीट कैपेसिटी 30 हो जुआ 30 हो जुआ वहाँ कसा बाकी एसी ग्रामो जियारी फिया दो अंदो कुछ गुल्ला डोन में एसी अंदो जुआ बाकी का ये पिकअप जरनारी के 100% बैटरी फुल चार्ज है लेकर तकरीबन 180-200 किलोमीटर अच्छा 200 किलोमीटर अच्छा दादी गता दी बस पु धरे कारगिल काउंसिल सेक्रेटरी यंग डुलचा जन सु पहाड़ी के नेते की बाजार ना अति हॉस्पिटल दी बिजी खोले जमस्तान खोले बाजार लो तिन जा नीमा वर्ष तक करते तिन जा अच्छा एसी ने बोया दी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दे स्कूल च मिलना बाकी दी पूरा गैप दुन अंदर बाहर गमा कैमरा दू जैसे से कैमरा या बिल्कुल मेरा सामान अमन चीज या नोर चीज तो अच्छा कुछ करने रख दिया अजु फीमा मेंचा दिन या बाकी पूरा गाड़ी पूरा बाटा नहीं कदम सर यार को क्लास में पहनो यार एक्सलेटर दू गया ब्रेक दू गया बाकी रिवाज निटोल दूर लता रिवाज का आर पो स्किल पर निटोल पो एन पर निटोल इन जा पूरा गांव में बाटा नहीं कदम चाना मन लगे गिर गया गुम्बे के थो मशीन दो ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही करगिल बस इश भी हों सही थी ना चना दी पर सी सी एल एच डी सी चीज़ें रहने के तालब चुके जहाँ तला नसुखला अजीत कुमार साहू कमिश्नर सेक्रेटरीज इलेक्ट्रिक बस ही का चीज़ें रहने तो सब लग चुके दिन तिल तेंजुक शेख लद्दाख देखिए ये तीन चार रूट्स पे कारगिल पे चलेगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और लोगों को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इनकन्वीनियंस थी वो दूर होगी। दूसरी बात ये कि बसें बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हैं, किसी तरह का पोल्यूशन इसमें नहीं है और बहुत ही कंफर्टेबल हैं, तो उससे जो है लोगों को एक तो यात्रा काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगी, जिससे गाड़ी सड़कों पर जो प्राइवेट गाड़ियों की जो बहुत ज़्यादा जो कंजेशन होती है उसको मैनेज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इसमें जो सभी जितने इम्पॉर्टेंट जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं तो वो सभी इसमें कवर हो रहे हैं। और दूसरी बस एक जो सांकू तक जा रही है उधर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को इनकन्वीनियंस होती है और द्रास तक, और फिर यहाँ से लेह तक भी जो यात्रा काफ़ी जो है सुख आराम देह हो जाएगी, कंफर्टेबल हो जाएगी। तो बाकी जो उसके जो दूसरे चीज़ें हैं स्टूडेंट्स को किसी तरह के रियायत देने की बात या दूसरी चीज़ें, तो उसको हम अभी एग्जामिन करेंगे। एक बार बस चलेगी रूट पर कैसा उसका रिस्पॉन्स आता है और लोगों को क्या सहूलियतें होती है, क्या दिक्कतें होती हैं, उसको असेस करके फिर बाद में उस पर अभी पॉलिसी डिसीजन लिया जाएगा। सर जो गवर्नमेंट बसें जो है सर वो बहुत कम यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में सर, तो कारगिल में और भी सर इलेक्ट्रिक बस का भी ज़रूरत है सर कारगिल में, तो इससे सर जो ट्रांसपोर्ट लोग सर फिर से यूज़ करें इसमें सर क्या कदम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए इसमें हमने मोबिलिटी प्लान जो है पूरा राइड्स को लगा करके प्रिपेयर कराया है कि मोबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती है। बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है पाइपलाइन में हैं बसेस के अलावा भी, ठीक है। और अगर इसमें नंबर ऑफ बसेस बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम लोग करेंगे, उसमें भी कोई वो कन्फ्यूजन नहीं है। बस यही है कि पहले एक बार रिस्पांस देखेंगे, फिर लोगों से पूछेंगे कि उनको और इसमें क्या एडिशन चाहिए, ताकि ये पता चले कि किस टाइमिंग क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, कितनी बसों का रोटेशन का जो है कितनी बार चलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है जब चलाएंगे उसके बाद पता लगेगी। सर ये बस अस्पताल पर कितने टाइम चलेगा? सर ये हर लगभग 40 मिनट में एक रोटेशन चलती रहेगी। नहीं मतलब वो शाम को भी चलेगा? मतलब बिल्कुल चलेगा, 40 मिनट के रोटेशन पे चलती रहेगी। आपको पता है ये प्रोक्योर किया था लास्ट ईयर हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उसमें अभी जो है चार बसेस जो हैं इस वक्त को आए हैं और इलेक्ट्रिक की बस जो है एक नया कॉन्सेप्ट है आपका। इसमें अभी हमारे पास चार बसेस आए हैं, चार में से इनका रूट भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। ये मतलब इनिशियली है अभी, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको एक्सपेंड भी किया जाएगा। अभी एक बस हमारा कारगिल टू द्रास, एक कारगिल संको, संको कारगिल, एक हो गया हमारा कारगिल टू ले एंड ले टू बेक, दूसरा एक बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ पे एक
लोगों का डिमांड भी था कि हमारा जो न्यू हॉस्पिटल हमने यहाँ से जो शिफ्ट किया है आपका, वहाँ पे लोगों को काफ़ी इशू था, वहाँ पे कौंसल सेक्रेटरीट है, वहाँ पे बाकी ऑफिसेज अभी आपने खुद देखा होगा, वहाँ पे हमारा कोर्ट कम्प्लेक्सेस वगैरह सारे शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक बस हमारा करगिल बाज़ार टू आपका पेट्रोल पम्प, टीवी स्टेशन, कौंसल सेक्रेटरीट और आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होते हुए, जमसे अमृत से, भरू से होते हुए, ये कम से कम दिन में 4-5 चक्कर जो है आपका पूरा इस एरिया में घूमते रहेगा। और हर जगह पे जो है जो जहाँ जहाँ पे इनको स्टॉप करना है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया जाएगा, वहाँ पे बसेज रुकेगा ताकि लोग वहाँ पे ऑलरेडी आके बैठें। तो अभी हमारे पास आज के डेट में 2 चार्जिंग पॉइंट हमारे पास है, एक लेह करगिल के लिए आपका खलसी में एक चार्जिंग पॉइंट, और एक चार्जिंग पॉइंट जो है अभी हमारा जो यहाँ पे RTC का जो यार्ड है वहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट है, लेकिन हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। अभी हो सके तो पानीखर में भी होगा, द्रास में होगा, और लैंड वगैरह हमने आइडेंटिफाई किया है। और ये चार्जिंग पॉइंट जो हमने बनाया है वो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स जो हमारा प्लान है वहाँ से हमने दिया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपने खुद देखा है कोई 1.5 करोड़ की बस है, इसमें फुल कम्प्लीट AC वगैरह फिट है, कैमरे वगैरह फिट हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक मुझे लगता है कि एक कंट्रीब्यूशन है टू द पीपल ऑफ पब्लिक, खासकर क्योंकि हमारे यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। हालांकि अभी डिमांड ज़्यादा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। अभी बाज़ार में जो कंजेशन हो रहा है ट्रैफिक, वो यही है कि लोग ज़्यादा प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ऐसे बसेस इंट्रोड्यूस होगा तो मुझे लगता है कि जो ट्रैफिक कंजेशन होगा उसमें भी कमी आएगा। दि चैनल पॉल तखन फीसद अर्दुन चुन अर्दुन सब्सक्राइब मबायो तेन सुख रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी मेमांग सुनला ज्वाइन दि चैनल पॉल सब्सक्राइब।